गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल. कैसे हो आप लोग सब? और आज है वेनसडे और दो दिन में दिवाली है. थर्सडे फ्राइडे दो ही दिन बचे हैं और उसके बाद में दिवाली स्टार्ट हो जाएगी. और मेरा काम का अपडेट ये है कि घर की साफ सफाई करनी है, इसके बाद में सब कुछ देखना है एंड फराड़ बनाना है मेन मतलब. तो आज से ही मैं फराड़ बनाने का जो है वो शुरुआत करने वाली हूँ. थोड़ा बहुत कर लूँगी टचअप, जिससे कि कल, एक्चुअली कल मेन है बट आज मैं थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि तैयारी मैं कर लेती हूँ. और वीडियोस मुझे लगाने हैं एक शेड्यूल पे मेन चैनल के लिए, क्योंकि कल परसों इसके बाद में फिर गेस्ट आएंगे, फिर उसके बाद में लाइक थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे. सैटरडे संडे मंडे मेरे घर पे फैमिली मेम्बर्स आने वाले हैं. और वेनसडे थर्सडे फ्राइडे मुझे सारी प्रिपरेशंस करनी है. तो इतने दिन के मुझे वीडियोस लगाने हैं एडवांस में, तो इसीलिए आज मेरा बहुत कुछ मतलब पता नहीं चल रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं. और मैं ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ साथ में ही. मुझे बहुत सारे वीडियोस के कल से ही वॉइस ओवर्स देने हैं, क्योंकि इतने सारे वीडियोस जो है मुझे लाइन पे लगाने हैं. और यहाँ पे किसी का बैंड बाजा चालू हो गया है, किसी का क्रैकर्स फोड़ना चालू हो गया है, किसी का घर में रिपेयरिंग चालू हो गया है. तो लाइक कैसे करे वॉइस ओवर, ऐसे में कल से पूरे मतलब चैलेंजेस फेस कर रही हूँ. और अभी किचन में आपको बहुत सारा मेस दिख रहा हुआ, क्योंकि ये सब मुझे क्लीनिंग करना है, क्लीनिंग करने के लिए निकाला हुआ है. और साथ ही अभी मैं इतना ज्यादा बड़बड़ कर रही हूँ, आई थिंक मुझे चुप रह के काम चालू करना चाहिए. वैसे मैंने आपको सब अपडेट्स दे दिया. अभी फिलहाल मैं सैंडविच बना रही हूँ, क्योंकि ये सैंडविच टोस्टर आया है मेरे पास, तो इसका मुझे रिव्यू भी करना है और साथ में मेरा लंच भी प्रिपेयर हो जाएगा. तो सैंडविच बना दूंगी मैं आज लंच को, और क्या कर सकते हैं. इसके बाद में मैं एडिटिंग के लिए बैठूंगी, फिर थोड़ा सा जो हाथ में आए वो साफ सफाई करूंगी. आई थिंक मुझे कैमरा ये अभी बंद करना चाहिए और काम पे लगना चाहिए. तो चलो डे को स्टार्ट करते हैं. छोटी चीज बट इसका काम करना शुरू करो ना, तो लाइक इतना ज्यादा मतलब है ना, इसमें सब्जी काटो, ये काटो, बटर मेल्ट करा के रखो, चटनी बनाओ, लाइक बहुत ज्यादा काम है. तो ऐसे लगता है कि सैंडविच बहुत ज्यादा झटपट डिश है बट है नहीं इतनी आसान. फिर भी हम लोग को पसंद है तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं. खाने में आसान है लेकिन बहुत अच्छा है. तुम्हारा काम आसान है पर ऐसा नहीं है. जब पता है आपको, मेरे आंखें जब बंद थे ना, मतलब अचानक से हम लोग जब इगतपुरी के बाद में आए घर पे और मेरे आंखें बंद हो गए, तो लाइक बहुत टफ हो गया था घर का काम. मतलब निशान को सभी कुछ करना था और तभी निशान ने सैंडविच बनाया था. इतना ज्यादा ऑसम बनाया था ना, मेरे से भी ज्यादा अच्छा बनाया था. कुछ सच में मेरे से भी ज्यादा अच्छा सैंडविच बनाया था और तभी निशान पूरा काम खुद करा था. तो तुम्हें तभी समझा रहेगा मतलब सैंडविच में कितना कुछ ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा लगती है. उसमें भी अगर वो अच्छा नहीं बने तो फिर पूरा मूड ऑफ. चटनी इज द मेन थिंग. अभी मैं
डोंट माइंड मैं अवतार, आज मैं पूरा ऐसे ही होने वाली हूँ क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम है। अभी मैंने दोपहर को खाना खाने के बाद फुल ऑन एडिटिंग किया, अभी 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि आज ना मैं पोहे का जो चिवड़ा होता है वो बना लूं और बना लूं करण जी के अंदर का स्टफिंग, तो क्योंकि फिर कल मैं सीधा करण जी का पीठ जो है वो पूरा आटा लगाऊंगी और फिर उसमें भर के फिर हम लोग तल सकते हैं और चकली कर लूंगी कर, तो आज मैं उसका भी सारण बना लूंगी क्योंकि सब सिर्फ वैसे ही रोस्ट करके लेना होता है और वो चिवड़ा भी रोस्टिंग का ही काम है। तो फटाफट से मैं सभी चीजें मैंने निकाल लिया है, ये क्या है, ये कोकोनट, बाद में जो भी कुछ लगता है रवा, ड्राई फ्रूट, सभी चीजें मैंने निकाल के ले ली है, अभी सिर्फ इसको वो है ये है, रोस्ट ही करना है। तो चलिए फटाफट से मैं करती हूँ। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors, forever free. गाइस इधर देखो क्या चल रहा है, ये कौन सा स्टाइल है चिवड़ा करने का, ये चाइनीज स्टाइल है, वो सब पोहा चाइनीज स्टाइल में सब पोहा का पूरा भुर्जी हो जाएगा उधर, ये एक भुर्जी नहीं है। हो गया, हो गया क्या, मिक्स तो हो गया, क्रिस्पी क्रिस्पी, खाते देखना पड़ेगा, खाते देखो, नहीं नहीं हुआ है क्रिस्पी, क्रिस्पी तो हुआ है, अभी उसमें थोड़ा नमक डालना है, ज्यादा हलवा ना हो मतलब चूरा हो तो, पर हलद नहीं है, हलद है रे बाबा, गैस बंद, देखा आपने कैसे कर रहा था। और यहाँ पे मैंने जो करण जी का सारण था ना उसमें डाल दिया है पीठी साखर, और अभी मैं थोड़ा सा चूरा कर रही हूँ क्योंकि कोकोनट का फ्लेक्स है वो बड़ा बड़ा था, तो अभी वो सब मिक्स हो जाएगा और मेरा अभी सारण भी रेडी है एंड चिवड़ा भी रेडी है। तो गाइस अभी बज गए हैं अराउंड 8 और अभी बस थोड़ा सा एडिटिंग करना बाकी है, तो थोड़ा एडिटिंग वगैरह अपलोड पे लगाया है मैंने, एडिटिंग तो हो गया है मेरा,
बस थोड़े टचअप्स वगैरह बाकी है, अभी मैंने थोड़ा किचन भी क्लीन कर लिया है. और आई होप आपने ये वाला व्लॉग एंजॉय किया होगा. अभी बस इस व्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ और कल हम लोग थोड़ी और क्लीनिंग करेंगे, थोड़ा सा मोटा डेकोरेशन करेंगे. और देखते हैं कल क्या क्या करेंगे, करण जी और चकली तो कल करनी ही है. तो गाइस मैं मिलती हूँ आपसे कल और ये कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द ये वाला जो वीडियो है मैं डाल दूं. और भूलिएगा मत, नवंबर एंड तक हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर्स करने हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है. और टिल देन के लिए खुद का ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, मेरे वीडियोज को इस तरीके से देखते रहिए और बाय बाय.